दोस्तों आप लोग हवा लेने के लिए पंखा की यूज करते होंगे और पानी भरने के लिए मोटर की यूज करते होंगे या फिर कूलर की यूज करते होंगे, लेकिन आप लोगों ने पंखे मोटर या फिर कूलर में देखा होगा कि ये कैपेसिटर का यूज किया जाता है। आप लोगों को क्या पता है कि इस कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है? आप लोगों को अगर पहले से पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। आप लोगों को एक एक जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा इसका यूज क्यों किया जाता है और अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल डीएमडी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू कर, दोस्तों बात करें पंखे की, मोटर की या फिर कूलर की या ऐसे कोई भी यंत्र की जो एक अपनी स्थिति पर, एक निश्चित स्थिति पर राउंड करते हैं या घूमते हैं, उनमें इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब ये यूज क्यों किया जाता है ये तो आप लोगों को पता नहीं है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब आप पंखे को चलाते हैं, चलाने के बाद यूज करते हैं और आपका पंखा कुछ दिनों बाद स्लो हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, इस कैपेसिटर को लाके बदल देते हो, या फिर पावर कम आ रही होती है तो मैंने देखा है गांवों में जब पावर कम आती है तो वो लोग दो कैपेसिटर एक मोटर पे लगा देते हैं जिससे उनकी मोटर तेज चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर ऊर्जा को स्टोर करता है, ऊर्जा को वो करंट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जब वह ऊर्जा को स्टोर कर लेता है पर उसके बाद वह ऊर्जा को देता है। तो दोस्तों आपकी जो मोटर या पंखा है उसे चलने के लिए यानी एक निश्चित स्थिति पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जब पंखे को चलाते हो बगैर कैपेसिटर को लगा के, बिना कैपेसिटर के जब आप पंखे को चलाते हो तो उसको उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि एक जो जड़त्व आघूर्ण रहता है, जैसे हम लोग जड़त्व बोलते हैं, जो उसकी जो गति करता है अपनी स्थिति पर उसका विरोध करता है और उसे घुमाने का कार्य करता है बल आघूर्ण, यानी जो जड़त्व आघूर्ण रहता है वह बल आघूर्ण का विरोध करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक चीज विरोध करेगी दूसरी चीज की तो वह कैसे काम कर पाएगा। तो इसलिए जब आप पंखे को बगैर कैपेसिटर के चलाते हैं तो वह बहुत धीमी गति से चलता है या चलता ही नहीं है। जब आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है तब भी आपका पंखा बहुत धीमी गति से चलता है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये आपके जो पंखा है या आपका कूलर है या मोटर है उसे अधिक ऊर्जा देता है, जिससे कि वह जड़त्व आघूर्ण का विरोध करके और तेज गति से घूम सके। इसलिए जो ऊर्जा है पंखे को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए, यानी अगर आप बगैर कैपेसिटर के चलाएंगे तो पंखे को उतनी ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वह तेज गति से घूम सके। इसलिए आपका जो कैपेसिटर है वो पहले ऊर्जा को स्टोर करता है, ऊर्जा को स्टोर करने के बाद वह एक साथ, यानी वह पहले से आपको एक तो डायरेक्ट वोल्टेज जा रहा है उसके पास और दूसरा आपका कैपेसिटर दे रहा है, यानी उसके पास ज़्यादा ऊर्जा जा रही है पंखे के पास, इसलिए वह जड़त्व आघूर्ण का विरोध करके बहुत तेजी गति से घूमता है। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वह घूमने के लिए उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। क्योंकि कैपेसिटर ऊर्जा को स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद आपके पंखे को और ज़्यादा ऊर्जा देता है, इसलिए पंखा तेजी गति से चलता है। और अगर आप कैपेसिटर का यूज नहीं करेंगे, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि पंखा आपका स्लो चलने लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको कैपेसिटर से रिलेटेड दी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको नीचे, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपका कोई टॉपिक हो तो मुझे उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने के लिए टॉपिक दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।